सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करके हवा में तैर लेते थे। 1922 में स्पेन में मीटिंग बैठी और कमाल अतुल्क को इस्लामी शिकन 9 कानून के साथ तुर्की का सदर बना दिया गया। फिलिस्तीन का मालिक कौन है? बरतानिया। कब? 1918 के बाद पहली सलीबी जंग की एंडिंग पर वो हुकूमत करती रही, वहां की हुकूमत गवर्नमेंट करती रही, यहां तक के दूसरी सलीबी जंग ये शुरू होती है 1939 से और खत्म होती है 1945 में। 1945 पर एंडिंग के वक्त उसने ये देखा कि फिलिस्तीन वाले बहुत लड़ रहे हैं कि नहीं हमें आजाद करो, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। क्योंकि पहली सलीबी जंग की एंडिंग पर तुर्की का खात्मा हो चुका था। अरब इस वक्त 65 मुल्कों से ज्यादा था। के मसाइल जदीदा मुफ्ती निजामुद्दीन ने अपनी किताब में लिखा 65 से ज्यादा ममालिक उसके बीच में इसराइल को व्यवस्थित कर और जबरन कहा कि ये मुल्क सपोर्ट किसने किया? अमेरिका वाले। अरब के बीच में इसराइल बन गए। जब लड़ने लगे लोग बहुत ज्यादा कत्ल व गारत होने लगी 1945 जब दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो इसने क्या किया? किसने? लंदन वाले बर्तानिया, याद रखिए बर्तानिया ने इधर इंडिया को दो हिस्सों में बांटा, इंडिया और पाकिस्तान, बीच में कश्मीर को छोड़ दिया और ये कहा कि ये दोनों मुकम्मल बिन कुल्ली वजू न तुम्हारे अंदर में न तुम्हारे अंदर में, ताकि इसके लिए लड़ो, एक दूसरे को मारो, वेपन हम बेचे, औजार हम बेचे। ऐसे ही 1945 में बल्कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान किया, कश्मीर को बीच में रखा, 1948 में दो हिस्सों में बांटा, फिलिस्तीन को अलग किया, इजराइल को अलग किया और यरूशलम जहां मस्जिद अक्सा है कहा कि इसका फैसला यूएनओ में होगा। 48% फिलिस्तीन को जमीन दिया और 44% इसराइल को दिया और 8% जहां मस्जिद अक्सा का इसका हाकिम मेरा हो। और ये फैसला कहां किया? यूएनओ। ये फैसला क्यों किया कि हाकिम मैं रहूंगा, ना तुम्हारा ना तुम्हारा, दोनों लड़ोगे, वेपन हम औजार हमसे। यही वजह है कि अभी भी ये लड़ाई जारी है। सवाल यह है कि मस्जिद अक्सा किसकी है? आजाद दायरतु मआरिफ की पीडिया पर लिखा हुआ है इसके बानी हजरत याकूब अलैहि सलाम। याद रखिएगा हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के दो बेटे हैं, इस्माइल अलैहि सलाम से अरब का वजूद होता है और इसहाक अलैहि सलाम से फिलिस्तीन वगैरह मस्जिद अक्सा। मस्जिद इसहाक अलैहि सलाम के बेटे हैं याकूब, क्योंकि जुड़वा पैदा हुए थे, याकूब कहते हैं बाद में पैदा होने वाले। याकूब अलैहि सलाम ही का लकब है इसराइल, उन्हीं के औलाद को बनी इसराइल कहते हैं, जिसमें यहूदी भी दाखिल है, नसरानी भी दाखिल है। बनी इसराइल का क्या कहना मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से? उसमें बनी इसराइल से यरूशलेम बिलोंग्स टू ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है, क्योंकि सुलेमान अलैहि सलाम ने और हमारे अंबिया किराम ने इसको बनाया, सवारा, रखा, इसलिए इसके मालिक हम हम हम। डोम ऑफ रॉक कुब्बतुस सहरा इसके प्रोटेक्टर हम, इसलिए ये हमारा। हम ये कहते हैं कि प्यारे मुस्तफा मस्जिद हराम से रब की बारगाह में जो गए थे तो बुर्राक ने जमीन को छोड़ा, जिस चट्टान से उसे डोम ऑफ रॉक कुब्बतुस सहरा, इसलिए वो जमीन हमारी। कुरान शरीफ के अंदर आया है फैदा जाए वअदुल आखिरा लियसूमु वुजूहहुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा। इन लोगों ने अपने नबी की नाफरमानी की, ईसा अलैहि सलाम को कत्ल करने के लिए तैयार हुए, रब्बे कदीर ने अहले फारस और रोम को इन पर मुसल्लत कर दिया। हम लोग वो हैं जो तमाम नबियों के मानते हैं,
और अल्लाह की मस्जिद के मुतवल्ली काफिर मुशरिक यहूदी नसरानी हो ही नहीं सकते। रूए जमीन पर जितनी मस्जिद है वो हमारी, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर होता है और मुहाफिज मुसलमान होता है। बनी इसराइल का दूसरा दावा है, उसका दूसरा दावा है और आर्मी है ट्राइब ग्रेन नाइट टू कंप्लीट कंपिया। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हमारी आर्मी ने दिन रात मेहनत की है, इसलिए मस्जिद अक्सा हमारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ला तसूलु ताइफतु मिन उम्मती ज़ाहिरीन अला हक ला यदुहुम मन आताहुम फार फीमा या रसूलुल्लाह फार फी बैतिल मक़दिस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जमात हमेशा हक पर कायम रहे और लड़ती रहे, मुखालिफिन उसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाए। सहाबों ने पूछा किसके बारे में या रसूलल्लाह, फरमाया मस्जिद अक्सा के बारे में वो जमात लड़ते रहे। बनी इसराइल से द वर्क वी आर डूइंग फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ फिलिस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड। बनी इसराइल बोलता है हम लोग जो फिलिस्तीन के लिए जो दे रहे हैं जो कर रहे हैं उसे चुपचाप मान लेना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, बनी इसराइल। इस्लाम क्या बोलता है, लव लव जब जब मैं दुनिया इल्ला जो लव तब तब लव हो जाने कर जो हत्ता जो कातिल है आखिर हाथ उम्मत कच्चा पाल फीमा अयला हूँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाल अंतुम शर्किया नहरल कुतुन वहुम गरबिया हत्ता यस्तबी अल यहूद मिन वराय शजर अबिल हजर फयकुलु शजर अबिल हजर या मुस्लिम يا عبد الله هذا اليهودي وراي تعال فقتله। इस्लाम बोलता है कि एक दिन भी अगर बाकी रह गया अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा, यहां तक कि मुस्लिम लड़ता रहेगा लड़ते लड़ते यहूदी के आखिरी आदमी जो झाड़ के पीछे या पत्थर के पीछे छुप जाएगा वो पत्थर गवाही देगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, मुसलमान आओ इसको मारो। लड़ता रहेगा और दीन गालिब है। हासिल ये मस्जिद अक्सा हमारी और ये आप अपने बच्चों को बताइए। ये टेररिस्ट नहीं, जो लोग टेररिस्ट कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नॉट मुस्लिम, हु स्टार्टेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर नॉट मुस्लिम, हु किल्ड 6 मिलियन ज्यूज इन होलोकॉस्ट नॉट मुस्लिम, हु किल्ड अबाउट 20 मिलियन ऑफ एबोरिजिनीज इन ऑस्ट्रेलिया नॉट मुस्लिम, हु किल्ड मोर देन 100 मिलियन इंडियन इन नॉर्थ अमेरिका नॉट मुस्लिम, हु किल्ड मोर देन 50 मिलियन इन साउथ Not Muslim. Who sent the nuclear bomb of Hiroshima and Nagasaki? Not Muslim. So, first of all, you will have to define terrorism properly. If a non-Muslim does something bad, he's crime. But a Muslim commits the same thing, he's terrorist. So first remove this double standard, then come to the point. I don't know any terrorist. I don't know any group. I don't know any Osama, any Ikhwan al-Muslimin. हमारा रिश्ता उस इंसान से मिलता है जो 28 महीने जेल में रह के मार खा के दीन की हिफाजत करता है। क्या आप क्या इमाम अहमद बिन हंबल टेररिस्ट हो सकते हैं? हमारा रिश्ता उस इमाम से मिलता है जो जेल में रह के जहर पी के इंतकाल कर जाते हैं मगर बगावत से नहीं उतरते, इस्लाम की हिफाजत करते हैं। क्या इमाम आजम टेररिस्ट हो सकते हैं? हमारा रिश्ता उस इमाम से मिलता है जो 12 महीने 12 साल जेल में रह के दीन की हिफाजत करते हैं, किसी एक की जान भी नहीं लेते हैं। क्या शमसुल्लाह सरखसी टेररिस्ट हो सकते हैं? सोच, हम उस इमाम को मानते हैं जो 7 साल जेल में रह के लोगों तक अमन शांति का पैगाम देता बगावत नहीं करता है। क्या मुजद्दिदीन टेररिस्ट हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हम इन लोगों के मानने वाले हैं, लेकिन इस वक्त का प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल पलटवार का ऐलान कर दिया। इसलिए नेपाल के मुसलमान याद रखिएगा, हमें 2 फाइट लड़नी। एक फाइट है नेतन्याहू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल और दूसरी फाइटिंग है नेतन्याहू सिफत इंसान जो नेपाल में रहता है।
जो मरकज और मसलक का दगाबाज था, जो सुन्नियत की मुखालफत करता था, हिंदुस्तान में एक आवाज उठी थी साकितुल एतबार खतीब की तरफ से कि मरकज 3 नस्लों तक रहता है, उसके बाद मरकज खत्म हो जाता है। उसने दलील भी दी कि सबसे पहले हिंदुस्तान का मरकज दिल्ली था, फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, शाह वलीउल्लाह मौजूद देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मौजूद देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, 3 लोगों के बाद मरकज ट्रांसफर हो जाता है खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, मरकज ट्रांसफर हो जाता है बदायूं। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मरकज ट्रांसफर हो जाता है बरेली शरीफ। आला हजरत मुफ्ती आजम तादुश शरिया, उनका इंतकाल हो गया, अब मरकज बरेली नहीं है। ये इंडिया में आवाज उठाई, इधर नेपाल में एक ने आवाज उठाया कि मरकज लोहना नहीं है, उसने आवाज उठाई इंडिया में, उसका दोस्त यहाँ आवाज उठाया कि यहाँ मरकज लोहना नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली, हिंदुस्तान में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गुलाम जिलानी का जरिए ने कहा ब्रो तुमने कयास नाम फारिग किया, दिल्ली से शाह वलीउल्लाह मौजूद देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मौजूद देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी गए, इंसाइक्लोपीडिया देकर के नहीं गए, इसलिए मरकज ट्रांसफर हो जाता। खैराबाद से फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल्ला खैराबादी, यकीनन जबरदस्त आलिम मरकज से अकीदत मगर इंतकाल किए, पूरी सुन्नियत के लिए जाते हयात मरकज आकर बदायूं, फजले रसूल बदायूं, अब्दुल मुक्तदिर बदायूं, अब्दुल कादिर बदायूं, सर आंखों पर रहमतुल्लाह अलैहि रदियल्लाहु अन्हुम, मगर मरकज इसलिए ट्रांसफर बरेली शरीफ हो गया कि जाने से पहले इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। मरकज आता बरेली शरीफ, लेकिन गुलाम जिलानी अजहरी का दावा है कि मरकज अभी भी बाकी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि दशकबाद 1272 ईस्वी, 1456 ईस्वी में इमाम इश्क मोहब्बत पैदा होते हैं, 25 सफर को इंतकाल से पहले उम्मत मुहम्मदिया को फिकह हनफी का अजीम इंसाइक्लोपीडिया फतावा रजविया की शक्ल में देखे जाते, कंजुल ईमान की शक्ल में देखे जाते, अब दौलतुल मक्किया की शक्ल में देखे जाते, किफ्ल फतील फाहिद फी अहकाम मुंतसिर कराहिन की शक्ल में देखे जाते। बदायूं, खैराबाद, दिल्ली से इसलिए खत्म हो गया कि आलिम का इंतकाल हुआ, साथ में इल्म भी रूपोश हो गया, आला हजरत इंतकाल किए वो आलिम है, लेकिन फतावा रसविया आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है, कंजुल ईमान आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है, अब दौलतुल मक्किया आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है, ये बाउल भाई आलिम का नाम नहीं, इल्म का नाम है, तमाम फिरके बातें हासिद से चैलेंज है, मरकज बदलने का ख्वाब देख रहे हो, फतावा रसविया का जवाब लाके बता दो, कंजुल ईमान का जवाब लाके बता दो, अब दौलतुल मक्किया का जवाब लाके बता दो, खुदा की कसम जानती है वो ताजुश गुजार फिर हिंद की शक्ल में जानती है। जी सर, ये बताइए ताजुश शरिया ने, ताजुश शरिया ने कितने निकाह फस करवाए, ईमानदारी से हमारे बोलो, जिम्मेदारी से जवाब करवा, ताजुश शरिया ने कितने निकाह फस करवाए, इस मर्दूद ने 30 से ज्यादा निकाह शोहर के होते हुए खत्म करवा दिया भाई, जगह जगह से शिकायत आ रही, शोहर के होते हुए वो भी 30 से ज्यादा आ गए, मेरे भाई ताबिश शरिया ने हमारी दुआ और इज्जत का
कितने निकाह खत्म कर मारे 20,000 के बदले में शोहर के होते हुए निकाह को खत्म कर दे रहा है। बाजी चाहे अखबार बना लिया, कोई बोलने वाला जो बोल रहा है वो टारगेट की जद पर, गालियों की जद पर। और जो गालियों से मुफ्ती शफी ग्रदा समझी बड़ी अच्छी बात बार बार बोलते हैं, तलबे चाटने वाले की तारीफ नहीं लिखी जाती, टकराने वाले की तारीफ लिखी जाती है, गाली छीनने वाले की तारीफ लिखी जाती है, मार खाने वाले की तारीफ लिखी जाती है। शोहर मौजूद है, निकाह को खत्म कर दे रहा बेचारा, कितना कटे थे भाई। अभी शमसुल औलिया के साथ ये बता रहे थे कि लाहौर में भी ऐसा ही था, 30 से ज्यादा, मैं नाम बता सकता हूँ, लिख तैयार है। एक दिन उनसे दौरा किया है, 18 जराय को निकाती है। इसलिए जब तक मैं तमाम जराय से दौरा नहीं करता, मर्दूद शहादा रहेगा, हमारा मरकज लोहना शरीफ है, और लोहना शरीफ मरकज इमारत की बुनियाद पर नहीं है, शेरे नेपाल की बुनियाद पर है। और शेरे नेपाल मिन है तो हुआ हुआ इंसान है, वो तो तुम्हारी कब्रिस्तान में जिंदा पड़ा हो सकते हैं, लेकिन शेरे नेपाल मरकजी शख्सियत इसलिए है कि उन्होंने फतावा बरकात लिखा है, वो मसनदे इसका के औजी मुफ्ती भी है, वो मैदान में गज़ल में हक को बाती के औजी मुनाजिर है। तुम मरकज बनाने का ख्वाब देख रहे हो, बदलने का प्लान कर रहे हो, बेटा कितने भी अदारा शरिया खोल डाल, शेर नेपाल कहां से रहा। हाफिज मिल्लत ने कहा था, किसी ने कहा था अशरफिया बहुत बड़ा अपना इदारा है, मरकज का ऐलान कर दीजिए ना हिंदुस्तान में। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जवाब दिया था, ऐलान तो कर दो मरकज का, मगर अहमद रजा कहां से, अहमद रजा कहां से। अल्हम्दुलिल्लाह फतावा बरकात आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। और मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने साबित किया कि अल्लाह का वली मरता नहीं है, जैसा कि राजा की तफसीर बताती है और साइंस भी इस बात को प्रूव कर रही है। द ह्यूमन केम फ्रॉम अदर प्लेनेट, इंसान दूसरे प्लेनेट से आया, और जिस प्लेनेट से आया है वो नहीं बताता है। हमने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो उसमें आया या आदम सुनंदा वजूद कर जब ना, पता चला इस इंसान जिस प्लेनेट से आया है उसे जन्नत का आदम। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम, हम तमाम नेपाल के मुसलमानों से कहेंगे हमारा मरकज़े अकीदत और मरकज़े इल्म, अकीदत और इल्म दोनों को लगा रहा, दोनों बोल रहा हूँ, कहीं कोई लॉलीपॉप रोस्टेड और देख टेस्ट देख के बेवकूफ ना बना दे आप। मरकज़े अकीदत भी और मरकज़े इल्म भी लोना शरीफ फतावा बरका, और जो आला हजरत ने फतावा रज़ी लिखा उसकी नशो इशा सही तर्जमानी लोना शरीफ से होती है। और कोई ये भी ना कहे कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, अगर है कोई जवाब तो मुफ्ती मुजीबुर रहमान के जवाब लाके बताओ, है किसी के पास जवाब। मैं जानता हूँ जिस वक्त मैं बिल्लौर में तकलीफ करने गया था तो पता चला कि यहाँ के बहुत बड़े शेखुल हदीस मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, जब हैदराबाद खलवत मैदान में पहुंचा बहसियत खतीब तो रहमत आलम कमेटी ने बताया कि आज से 10 साल पहले मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती मुजीबुर रहमान आए थे, हदीस में उनका कोई जवाब नहीं मिलता। बेटा वो लोहना शरीफ में रहते हैं, यही रहते हैं काजी खुदा फिर नेपाल, हम हुजूर जी और मुस्तफा दा मजिल वली ना को मानते हैं। और अगर तुम ये कहो कि आलम और माए मुल्क नहीं है तो मेरा ये कहना होगा हजरत मियां भी आलम और माए मुल्क नहीं है, अल्लामा साहब ने काजी खुदा फिर हिंद बनाया ना, जाते हमसे दलील लेकर, और गुलाम जिलानी जरी हुजूर मोदी से कभी के शागिर्द का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम, कुरान शरीफ के खिलाफ फतवा जाए तब तो, हदीस के खिलाफ फतवा जायज ना तो, फतावा रज़विया के खिलाफ फतवा जायज ना तो, और तू बोलेगा क्या, बोलता है फतावा रज़विया में गलतियां हैं माज़ल्लाह इलाहिल्लाह, उसका क्या एतबार करे। कभी ताजुशरिया के ताजी पे मुस्तफु करने लग जाता है माज़ल्लाह इलाहिल्लाह, इसलिए डुप्लीकेट खुसूसन। अच्छा जात पात की बहुत बात चलती नेपाल में, शेर नेपाल शेख का मरकज नहीं है, गलत 100% गलत गलत गलत, तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकज, क्योंकि मुझे याद है दरभंगा की धरती पर हुजूर शेर नेपाल अली रामा की मौजूदगी में मैंने तकरीर की थी, इस ताजहा नवा मदीना वकार इन औलम नास बी अल मुत्तकुन मन कानू हैसु कान, मेरे करीब वो है जो मुत्तकी है हैसु कानू, जहां का भी रहने वाला, मक्का में पैदा होने वाला भी काफिर हो सकता,
कहते हैं, लोहना के गांव के किनारे पैदा होने वाला भी अल्लाह का वली हो सकता है, सैयद भी काफिर हो सकता है, वो सैयद भी अल्लाह का वली हो सकता है, एक मंसूरी एक दुनिया एक कबारी भी अल्लाह का वली हो सकता है। मन करूं का केवल बोला यह हदीस में आया, जो भी हो याद रखे, ताहिर गयानी भी सैयद बोलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मसलक का बाकी सैयद है, मैं ऐसे सैयद को नहीं मानता, मैं ऐसे सैयद को मानता हूं जो मसलक के आला हजरत को आइडियल मानते हैं, इसलिए अमीन या सराखों पर, गुलजार या सराखों पर, गयास या सराखों पर है। सैयद अमराज साहब क्यों मानते हैं मसलक के आला हजरत के वफादार, इसलिए याद रखे ये शेखों का मरकज नहीं, तमाम मुसलमानों का मरकज है, तमाम सुन्नी मुसलमान दुगली कहता नहीं, तौला का भी नहीं, चमचा चरछूस चमची का भी नहीं, मुसलमान सुन्नी मुसलमानों का मरकज है, लोहना शरीफ। और कुछ लोग बिरादरी की वजह से उधर चले जाते हैं, कोई दाएं कोई बाएं, एक बात बता, मंसूरियों में मसलक आला हजरत का पाबंद एक आलिम को जानता हूं जिसे लोग मुफ्ती शफीक रजा शमसी के नाम से याद करते हैं। मैं ये कहूंगा अगर काजात का मतलब उतना ही जरूरी हो तो उनकी तरफ रजू करें, एक लिस्ट मसलक आला हजरत का पाबंद तो है, जो मसला नहीं मालूम होगा अपने अकाबिर से पूछ के तो बताएगा, और मिन कुल्लिल वुजूह ये ऐलान आम है, जितने भी मंसूरी हो, राय लो, अंसारी हो, तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकज लोना शरीफ है, मरकजी शख्सियत हुजूर शेरे नेपाल है, और उनकी उनकी किताबें फतावा बरका ये आज कल 100 साल 200 साल के बाद फना नहीं होगी, बल्कि फतावा बरका कुरान और हदीस का अक्काश है, उसको कयामत तक रहना है, इसलिए लोहना हमारा मरकज कयामत तक रहेगा।